हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहां पर जो परिमेय संख्या दिया गया है इसको हमको संख्या रेखा पर जो है निरूपित करना है। इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। फिर भी यहाँ पर प्रश्नावली में प्रश्न है तो हम इसको हल करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं बना देता हूँ एक संख्या रेखा। यहाँ पर दोनों तरफ जो है एरो का मार्क रहता है जो ये प्रदर्शित करता है कि इसको हम इधर जो है जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं शून्य। शून्य के राइट साइड में जो है धनात्मक संख्या प्रदर्शित किया जाता है, 1, 2, 3, 4, ये बराबर दूरी में रहेगा। केवल चार तक दर्शाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल चार तक रहेगा। ये एरो मार्क उसी को प्रदर्शित करता है, हम आप जितना चाहो आगे उसको बढ़ा सकते हैं। और शून्य के लेफ्ट साइड अगर हम लें तो इधर हमको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, -1, -2, -3, ठीक है। इधर भी हम जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर संख्या रेखा में एक चीज ध्यान रखेंगे, शून्य से अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं तो संख्या का मान जो है बढ़ते जाता है, और शून्य के लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो संख्या का मान जो है कम होते जाता है। अगर आप दो परिमेय संख्या यहां पर दर्शा दिए हो संख्या रेखा में तो उन दोनों का जो है एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति देखते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो छोटा होगा और राइट हैंड साइड में है वो बड़ा होगा। वो किस जगह में है वो डिपेंड नहीं करता, लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा और राइट साइड वाला बड़ा होगा, क्योंकि शून्य से अगर इधर जाते हैं तो मान बढ़ता है और इस तरफ आते हैं तो मान जो है घटता है। तो यहाँ पर हम पहला परिमेय संख्या दर्शाएंगे 2/3। इसको हम भिन्न के आधार पर समझते हैं। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब है 3 में से 2, मतलब 3 भाग में से 2 भाग को अगर हम दर्शा दें तो वो जो है 2/3 को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, शून्य और एक के बीच को जो है इसके हर में चूंकि 3 है तो हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो ये शून्य और ये एक के बीच को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये देखो खंड जो है 1 खंड, 2 खंड और ये 3 खंड हो चुका है। अब इसमें 2/3 है तो इसलिए हम 2 को दर्शाएंगे, शून्य के बाद ये 1 और ये 2। तो ये वाला जो होगा ना यही कहलाएगा आपका 2/3। अब यहां पर और जो ये दिख रहा है इसका क्या मतलब है, ये पहला वाला जो खंड है वो कहलाएगा 1/3, दूसरा वाला खंड 2/3, तीसरा वाला खंड 3/3, और 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया ना। 3/3 मतलब 3 एकम 3 एकम, तो क्या आया, 1, ठीक है। तो ये जो है आपका 2/3 जो है संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दिए। अब दूसरा दिया है -5/9। आप ध्यान रखेंगे जब भी अगला एक अलग से परिमेय संख्या लेंगे तो आप एक दूसरा संख्या रेखा जो है बना लेंगे। यहां पर ऋणात्मक है यानी कि शून्य के लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, हर में कितना दिया गया है 9, तो इसलिए हम शून्य और -1 के बीच को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 9 भाग। तो 9 भाग में बराबर बराबर डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ आपको। आप ऐसे खींच लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9वां वाला बड़ा कर देना, ये हो गया 1। ये ऑटोमेटिक जो है कितने खंड में बट गया, 9 भाग में बट गया। अब यहाँ पर इतना दूरी को 1 लिए हैं तो इतना दूरी में आपको क्या लेना पड़ेगा, 2। फिर उतने दूरी में लेंगे तो क्या मिलेगा, 3। चूंकि ऋण शून्य के बाईं ओर है तो ऋणात्मक लेना पड़ेगा, -1, -2, -3। वैसे ही राइट साइड में भी हम बराबर दूरी में ले लेते हैं, 1, 2, 3, और यह आपका संख्या रेखा तैयार है। दर्शाना कितना है, माइनस में है इसलिए शून्य के लेफ्ट साइड लेंगे और 9 खंड में बांट चुके हैं, कितने खंड में दर्शाना है, 5वें में दर्शाना है। तो ये शून्य के बाद गिनना शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला भाग जो होगा ना यही होगा आपका 5/9। पहला वाला 1/9,
ये ऋण 2/9, ऋण 3/9, ऋण 4/9, ऋण 5/9, ऋण 6/9, ऋण 7/9, ऋण 8/9 और ये हो जाएगा ऋण 9/9 यानी कि ऋण 1। तो ये आपका दूसरा वाला भी हो गया। इसी प्रकार से तीसरा को अगर हम लोग देखें तो ये और काफी बड़ा है, क्योंकि हर में कितना दिया गया है 13, तो शून्य और एक के बीच को कितने भाग में बांटेंगे, 13 भाग में। ऋणात्मक है इसलिए हम इसको भी लेफ्ट साइड में लेंगे। तो 13 खंड करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 13, ये आ गया आपका ऋण 1। अब इतना ही बड़ा इधर आगे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2। चाहे आप और लिख सकते हो, इधर ले लेंगे 1 और 2। अब यहां पर ऋण 3 में जो है आपको दर्शाना है, तो यहां से ये 1, 2, 3 ये वाला जो होगा ना, ये कहलाएगा आपका ऋण 3/13। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब लास्ट दिया है ऋण 16/5। देखने में थोड़ा सा जो है लग रहा है हमको कि कठिन होगा, नहीं है। ऋण 16/5, तो ऋण और ऋण का भाग क्या हो जाता है, धन हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, 16/5। जो ऋणात्मक हमको दिख रहा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, धनात्मक में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर इन परिमेय संख्याओं के तुलना में अलग है, वो कैसे, यहाँ पर देखेंगे हर में छोटा बोलता हूँ, अंश में छोटा, हर में बड़ा। तो यहाँ अंश में छोटा, यहाँ अंश में छोटा, यहाँ अंश में छोटा, जबकि यहाँ हर में छोटा है। भिन्न में हमको विषम भिन्न करके पढ़ते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हम 0 और 1 के बीच को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलो बताते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैं वैसे ही खींच देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3 हो गया। ऐसे ही क्रम से और ले लेते हैं 4, 5। इधर आप ले लीजिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे बढ़ा देंगे। अब बोलोगे कि अभी तक हम शून्य और एक के बीच को ही डिवाइड करते थे, यहाँ पर शून्य और एक के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, ऐसा क्यों किए हैं, उसका कारण है। यहाँ और एक कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। उसका कारण ये है कि हम भले ही इनको 5-5 भाग में डिवाइड किए हैं, लेकिन कितने खंड में दर्शाना है वो कहाँ से देखते हैं, अंश को देखते हैं। तो अंश में कितना है, 16 है। 5 भाग में डिवाइड किए हो और 16 भाग को दर्शाने वाले हो, तो एक खंड में आना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये काम करते हैं, यहाँ से गिनते हैं 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये हो गया 16। तो ये हो जाएगा आपका 16/5। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम कोई भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा में आसानी से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। यहाँ पर पहले दिया गया है 3/5 और ऋण 7/8, दूसरा में दिया है ऋण 7/8 और 7/5। एक चीज बता देता हूँ, जितने भी ऋणात्मक संख्या होते हैं वो धनात्मक से छोटे ही होते हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ऋण 7/8 ऋणात्मक है, तो निश्चित रूप से ये ऋण 7/8 जो है 3/5 से कैसे हो गए, छोटी हो गई। यहाँ पर ऋण 8/7 ऋणात्मक है, तो ये परिमेय संख्या छोटी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी परिमेय यहाँ पर संख्या रेखा में दर्शा करके बताने के लिए बोला गया है, तो मैं इसलिए जो है इसको जरूर बनाऊंगा, लेकिन देखने से ही हमको समझ में आ रहा है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। अब यहाँ पर जो है एक संख्या रेखा जो है खींच देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 और बराबर दूरी में ले लेंगे 1, 2, 3, 4। इधर भी ले लेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ठीक है, अब 3/5 को दर्शाना है, तो शून्य और एक के बीच को 5 भाग में बांटेंगे, तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5।
तीसरे भाग को दर्शाना है। तो यहां से एक दो तीन, तो ये हो गया आपका 3/5, ठीक है। दूसरा है ऋण 7/8, ऋणात्मक साइड दर्शाना है, और कितने भाग में बांटेंगे शून्य और एक के बीच को, 8 भागों में। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दर्शाना किस में है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला भाग जो है ना, ये हो जाएगा ऋण 7/8। बोला गया था जो लेफ्ट हैंड साइड आता है वो छोटा होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे स्पष्ट है कि ऋण 7/8 छोटा है 3/5 से, और ये जो है आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा दिया गया है ऋण 8/7 और 7/5, यहां पर अंश छोटा था, यहां पर हर छोटा है, तो यहां पर भी हम उसको इसी तरीके से ही बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका 0, ये आ गया 1, 2, 3, इधर भी हम दर्शा देते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब ये ऋण 8/7 है, 0 और 1 के बीच को 7 भाग में डिवाइड करना है और 8 भाग में दर्शाना है, तो एक ही खंड में तो काम नहीं हो पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, आठवां में दर्शाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये वाला जो होगा ये कहलाएगा आपका ऋण 8/7। अब शून्य और एक के बीच को 5 भाग में बांटो, 1, 2, 3, 4, 5, दर्शाना कितने को है, 7 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। तो इन दोनों को अगर देखेंगे ना, तो जो लेफ्ट साइड में है यानी कि ऋण 8/7 ये छोटा होगा, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि ऋण 8/7 छोटा है 7/5 से। इस प्रकार से संख्या रेखा में भी हम दर्शा कर देख लिए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों को उचित चिन्हों से भरिए। यहां पर 3 चिन्ह दिया गया है, बड़ा है, बराबर है, छोटा है। जिस तरफ खुला वाला भाग होता है, जैसे कि ऐसा दिया गया, ये खुला वाला भाग है, इधर बड़ा होगा और वो नुकीला साइड जो है छोटा होगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं में कौन छोटा है कौन बड़ा है देखने के लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर निर्धारित हैं, जिसको मैं लिख के रखा हूँ। ये जो है लास्ट में लिखा, ये पहला आएगा। चिन्ह के आधार पर छोटा बड़ा हमको छांटना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि ऋणात्मक कैसा होता है, छोटा। अगर एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो ऋणात्मक वाला कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, धनात्मक वाला बड़ा। अगर एक ऋणात्मक है और एक शून्य है, तो ऋणात्मक वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है शून्य जो है धनात्मक से छोटा और ऋणात्मक से बड़ा होता है। तो पहला तो हम चिन्ह के आधार पर देख करके बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर दोनों का हर जो है समान है, दोनों के हर समान हैं, तो उस कंडीशन में बड़ा अंश वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर अंश समान है तो बड़ा हर अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2/3, 1/3, दोनों के हर समान है, तो जिसके अंश में बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जिसके अंश में छोटा है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के अंश समान है, 3/2, 3/1, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बड़ा हर वाला छोटा हो जाता है। जैसे ये दोनों के अंश समान है तो हर का कंपेयर करेंगे, जिसके हर में छोटा होगा, जैसे कि ये एक है, तो ये वाला भिन्न कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और तीसरा है, दोनों अगर अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में
लघुत्तम समापवर्त निकाल करके हम देखते हैं कि दोनों लघुत्तम के द्वारा दोनों के हर को समान करेंगे, फिर अंश का कंपेयर करके जो है हम उसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए 3/2 और 5/4 ये कौन से कंडीशन में है बताइए। 3/2, 5/4 दोनों धनात्मक हैं, न तो अंश समान है न हर समान है, तो लघुत्तम ही निकालना पड़ेगा। लघुत्तम का उद्देश्य क्या होता है? दोनों के हर को समान करना। तो बिना लघुत्तम के भी अगर हर को समान कर दोगे तो चलेगा। जैसे इसके हर में 4 है तो इसके हर में भी 4 करो, कोई बात नहीं। हर में 4 करने के लिए हर में 2 का गुणा करेंगे, जब हर में 2 का गुणा करोगे तो अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन गया, 2 3 6, 2 2 4 और ये है 5/4। दोनों के हर समान हो गए, दोनों के हर समान हो गए तो अब अंश को देख लो। ठीक है, दोनों के हर समान हो चुके हैं तो अंश को आपको देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये बड़ा है 6/6 बड़ा है 5 से, तो यही वाला बड़ा होगा भाई, 3/2 जो है बड़ा हो जाएगा ऐसा। दूसरा देखते हैं, ये दोनों के दोनों जो है ऋणात्मक हैं तो चिन्ह के आधार पर हो नहीं सकता, ना तो अंश समान है ना हर समान है, क्या करें? फिर से हमको वही काम करना पड़ेगा, दोनों के हर को समान करना पड़ेगा। दोनों के हर को समान करने के हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो -6/8 को सरलीकृत कर दो, 2 3 6, 2 4 8 कितना बन गया भाई, -3/4। तो अब ये -3/4 और -2/5 इन दोनों के हर को समान करो। कैसे करेंगे? बहुत इजी है, दूसरे के हर को इसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं और पहले के हर को दूसरे के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। कितना आएगा? -3 5 6 15, 4 5 6 20, -2 4 8, 5 4 20। दोनों के हर समान हो गए, अब अंश में तुलना करके देखो, -15 और -8 में कौन बड़ा? निश्चित रूप से -8 बड़ा है। ये किसके लिए आया है? -2/5 के लिए आया है, तो यही बड़ा होगा, तो यहाँ पे ऐसा वाला चिन्ह लगेगा। तीसरा वाला देखते हैं, 1/2 और -9/18, इसमें भी दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं। इसको तो और सरलीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको किया जा सकता। कैसे? भाग जाएगा 9 से, तो 9 एकम 9 दूनी कितना आया, -1/2। इसके हर में ऋणात्मक है, इसके अंश में ऋणात्मक है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है -15/-7 और -3/7, तो ये ऋण और ऋण का तो धन हो जाता है भाई, तो कितना बन गया, 15/7 और 3/7, दोनों के हर समान है ना, तो जिसके अंश में बड़ा है वो बड़ा होगा, तो ये 15 निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, -10/3 और वो है -9, -9 है तो -9/1 कर दीजिए। अब दोनों के हर को समान करो भाई, -10/3 रहन दो, यहाँ पे -9/1 3 का गुणा करो हर को समान करने के लिए, -27 और 1 3 3, दोनों के हर समान है, अंश में छाटो कौन बड़ा है, -10 और -27 में कौन बड़ा, -10 बड़ा होगा, तो -10 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ये वाला चिन्ह जो है लगेगा। अगर भिन्न में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हम कैसे देखते हैं ये का हम पता नहीं है, तो बेसिक वीडियो में इसका एक लिंक दिया हुआ गया, एक वीडियो बना है, उसको आप जा करके देख सकते हैं ताकि आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हमने प्रश्नावली 2.2 का 3 प्रश्न कवर किया, पहला दूसरा और तीसरा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।